सब लोग अभी तक देख लीजिए सुबह की जो भागदौड़ शुरू हुई अभी तक खत्म नहीं हुई है हमारी। वो कहते हैं कि हम बेशरम बन के आँख बंद कर लें तभी काम खत्म होता है, वरना तो चलता ही रहता है। जब हम थक जाते हैं तब सोचते हैं यार अब छोड़ दो थोड़ी देर। मुझे पता है कमाल की क्या बात होती है, हज़ार काम हम कर लेते हैं वो नज़र में नहीं आते, अगर दो काम छोड़ देना उन्हीं पे नज़र जाती है सबकी। अरे यार ये पंखे गंदे रह गए, अरे वो गीजर के ऊपर ज़्यादा लग रहा था वो नहीं उतरा। तब कई बार गुस्सा इतना आता है कि बस क्या ही कर दो। चलिए क्या अब बस फटाफट से ये कपड़े हमारे सूख गए जो हमने सुबह धोए थे ये उतार के, और हम करेंगे लंच अपना, और उसके बाद हम बनाएंगे सांभर मसाला। सांभर मसाला ख़त्म हो गया है मेरा, मैं सांभर मसाला बनाऊंगी और आपको भी अपनी रेसिपी बताऊंगी कि मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ। उसके बाद आप भी अपना मसाला खुद बनाइएगा और देखिएगा कि अपने बनाए हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है। अभी हम फटाफट से कपड़े उठा के भरता बना रहे हैं और जल्दी से बन जाएगा, उसके बाद लंच करके उसके बाद आएंगे हम आपके साथ अपनी सांभर मसाला की रेसिपी शेयर करने के। तब तक आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर मसाला, तो आप भी देखिए इसमें क्या क्या सामान डलता है और फिर घर में बनाकर देखिए। घर के बने हुए मसाले की खुशबू और टेस्ट बहुत अलग होता है। तो मेरे पास ये एक छोटे साइज़ की, बहुत छोटे साइज़ की कटोरी है, मैंने सब चीज़ों का नाप इसी एक कटोरी से लिया है। तो आप कोई भी कटोरी आपके घर में, जो भी बर्तन जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं, जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप एक ही नाप से सारे चीज़ों को लेंगे। ये मैंने लिए धुली हुई उड़द की दाल 1.5 कटोरी, ये अरहर की दाल 1 कटोरी, चने की दाल 1 कटोरी, और वैसे धनिया साबुत डालते हैं, मेरे पास साबुत था नहीं इसलिए मैंने पिसा हुआ ले लिया है 2 कटोरी धनिया, और 1 बड़ी कटोरी, ये बड़े साइज़ की कटोरी है, करी पत्ता, हींग, ये 8-10 तेज पत्ता है, ये 15-20 के करीब साबुत वाली लाल मिर्च, कोई 1 कटोरी जीरा, 1 कटोरी सरसों और 1/2 कटोरी दाना मेथी। ये सारी चीज़ों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। जो चीज़ें एक साथ रोस्ट हो सकती हैं वो मैंने एक साथ रख रखी हैं, सभी तीनों दालें हम एक साथ रोस्ट करेंगे ये मैंने एक साथ रखी हैं, और ये तीनों चीज़ें एक साथ रोस्ट हो जाएंगी ये एक साथ रखी हैं, और ये मिर्च और ये दोनों को हम अलग अलग रोस्ट करेंगे, कड़ी पत्ता अलग रोस्ट करेंगे, और हींग को हम रोस्ट नहीं करते हैं, हींग को हम ऐसे ही रॉ डाल देते हैं इसमें, और हल्दी को भी हम रोस्ट नहीं करते ऐसे ही डाल देते हैं। अगर मेरे पास साबुत धनिया होता तो मैं साबुत धनिया भी रोस्ट करके डालती, लेकिन क्योंकि साबुत धनिया की जगह मैंने पाउडर लिया है तो पाउडर को मैं सबसे बाद में, जब सब पूरा मसाला जब पिस के तैयार हो जाएगा उसके बाद इस धनिया पाउडर को अलग से रोस्ट करके मैं उसमें मिक्स कर दूंगी, और हींग को भी हम रोस्ट नहीं करते हैं, बाद में इसको हम रॉ ही मिक्स करेंगे सारे मसाले के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये सब दालों को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, बस गरम होके थोड़ी सी ये क्रंची सी हो जाए जिससे कि पीसने में आसानी हो, बस इतना रोस्ट करेंगे इनको। ये दाल हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता, और करी पत्ते को भी क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट करने से एकदम ड्राई हो जाएगा, ये जो आपको फ्रेश लीव्स दिखाई दे रही हैं ये सब ड्राई हो जाएंगी और क्रंची हो जाएंगी, और फिर पीसने में आसानी होगी इनको। इस स्टेज पे तो हम हरी पत्तियों को तो पीस नहीं सकते ना, वो गीली हो जाएंगे फिर मसाला हमारा ठीक नहीं बनेगा। ये कड़ी पत्ता हमारा एकदम, ये देखिए रोस्ट होने के बाद क्रंची हो गया है बिल्कुल,
और अब हम जो है ये साबुत वाली लाल मिर्च जो हमने ली थी इनको रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये भी अगर इनमें कोई थोड़ा बहुत गीलापन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी, तो आसानी से पिस जाएंगी। गैस थोड़ी तेज़ हो गई है, इसको मैंने बंद कर दिया है और अब मैं जितना पैन जितना गर्म है उसी में ये रोस्ट हो जाएंगी। ये लाल मिर्च भी हमारी रोस्ट हो गई हैं, इन्हें भी मैं अलग निकाल लूँगी। ये हमारी सारी चीज़ें जो थीं वो रोस्ट होकर बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने इनको एक बड़ी प्लेट में फैला दिया है, जैसे ही ये सब हल्की सी ठंडी हो जाएंगी मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। और वो जो सूखा वाला मेरा धनिया पाउडर था उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब जब मैं इसको ग्राइंड करने के लिए डालूँगी मिक्सी में, तभी मैं इसके साथ में हींग, थोड़ी हल्दी और वो मेरा भुना हुआ जो धनिया था, धनिया पाउडर, वो भी इसके साथ ही डाल के पीस लूँगी, ताकि वो सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये सारा रोस्ट किया हुआ जो हमारा सामान था ठंडा हो गया है और वो सब मैंने डाल दिया है मिक्सी में। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये छोटा चम्मच है, छोटे चम्मच 3-4 चम्मच हल्दी कलर के लिए मैंने डाल दिए इसमें, छोटे वाले 4 चम्मच हल्दी, और अच्छी तरह से भर के 1 चम्मच और आधा चम्मच और 1.5 चम्मच हींग। अगर हींग डिपेंड करता है कि आपकी कितनी तेज़ है, उस हिसाब से डालिएगा। मेरी हींग ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बिल्कुल ऐसे बहुत कम फ्लेवर हो ऐसा भी नहीं है, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाल दिए। आपकी हींग अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर उसी हिसाब से इसको डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हींग का फ्लेवर इतना ज़्यादा हो जाए कि मसाला जो है वो खाने लायक ही ना बचे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा सांभर मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। ये बाज़ार में मिलने वाले कम से कम भी नहीं तो 4 या 5 पैकेट के बराबर होगा, और इसमें कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं डाली है जो आपको आपके किचन में नहीं मिलेगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में हमेशा होते हैं, आप जब चाहे तब अपना मसाला बनाकर रेडी कर सकते हैं, और इससे आपकी सांभर का फ्लेवर इतना बढ़िया होने वाला है कि बहुत अच्छा, बाज़ार का कोई मसाला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो हमें मालूम है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है, बाज़ार से जो मसाला हमारे पास आता है हमें पता नहीं होता उसमें क्या क्या डाला हुआ है। ये बहुत ही हाइजीनिक और बहुत अच्छा बनके आपका मसाला तैयार हुआ है, आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिए। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ और छोटी छोटी बातें लेके आपके साथ फिर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।